वेलकम बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 10 है बेटा, साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम। क्लास 6 से रिलेटेड आपको जिस भी सब्जेक्ट की वर्कशीट चाहिए सभी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल होंगी। तो गेटिंग टू नो आवर प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हम लोग और जानना चाहेंगे कि क्या क्या होता है प्लांट्स के पार्ट्स। आप देखिए, वी आर वेरी वेल नोन, ये आपको बताया भी गया होगा कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप ये देख ही रहे हैं। ये क्या है? लीव्स, ठीक है, लीफ बोलते हैं, और बहुत सारी हैं तो लीव्स। फ्लावर, ये पार्ट हमने सीखे हैं ना छोटी क्लास में, ठीक है। और ये क्या होगा, हुआ ये फ्रूट टाइप का लग रहा है, ये तो ये मिर्ची टाइप की है, बट हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है हमारा फ्लावर फ्रूट टाइप का है, तो हम फ्रूट लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये स्टेम था लीव, यहां पे ये थोड़ा सा एरो इन्होंने अंदर की तरफ दे रखा है, तो ध्यान से करना है आपको। ये स्टेम है, तना और लीव्स यहां लिख लेना आप लोग, साथ में ये रूट्स, ये मेन पार्ट्स होते हैं बेटा जो कि हमने सीखे हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। स्टेम, फ्लावर, लीव, दिस इज फ्रूट, फ्रूट जो भी टाइप का फ्रूट हो, फल है, और साथ में रूट्स है। प्लांट के पार्ट को हमने लेबल करना सीखा है। तो अब हम समझते हैं प्लांट होते कौन कौन से हैं, उसके बारे में और जानना है हमें। तो आपने डेली आपने कई तरह के पौधे देखे होंगे, कुछ लंबे, कुछ पौधे आपने पालक देखा है ना, पालक, पालक का पौधा देखा है, धनिया का पौधा देखा है, ये सब कोरिएंडर वगैरह तो आप देखेंगे, या टोमेटोज के, या लेमन के, मैंगो, नीम, या अपने आसपास कई सारे ट्रीज देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आता है ना दिमाग में कि ये होते कौन से हैं, ये क्या है, इनके नाम क्या है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, प्लांट की कैटेगरीज है। पहला है हर्ब। आप जब केयरफुली ध्यान देंगे प्लांट की तरफ तो आप देखेंगे कि साइज में ये शॉर्ट होते हैं, ये सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं और ग्रीन स्टेम होता है। तो वो पौधे, वो प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन होता है और सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं उनकी, उनको कहते हैं हर्ब्स। जैसे धनिया, धनिया देखा आपने, कोरिएंडर है ना, पालक वगैरह भी देखा होगा, स्पिनेक, छोटे छोटे तो होते हैं, ग्रीन ग्रीन सी उनकी स्टेम होती है और सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं, या टोमेटोज हैं, तो ये सब हर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट है श्रब। श्रब मतलब कि झाड़ी टाइप का, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे नजर आएंगे जिनकी स्टेम्स हार्ड तो होती हैं लेकिन बहुत मोटी नहीं होती, पतली होती हैं, ठीक है, ब्रांच भी होती हैं, तो उन्हें कहते हैं श्रब कहते हैं, यानी झाड़ी टाइप के। जैसे लेमन है, थोड़ी सी बड़े होते हैं, स्टेम हार्ड तो होती है लेकिन मोटी नहीं होती है ना, इतने मोटे मोटे नहीं होते। अब आते हैं ट्री पे। ट्री आप बड़े बड़े पेड़ देखते होंगे अपने घरों के आसपास भी, तो ये मोटी होती हैं, इनकी स्टेम्स थिक होती हैं, हार्ड स्टेम होती हैं, और ब्रांच आउट ऑफ अपर साइड, साइड के ऊपर हिस्से में ब्रांच बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो अपर साइड, जो स्टेम का अपर साइड है वहां से ब्रांच निकलती है, जैसे मैंगो और ट्रीज। और श्रब में ब्रांच कहाँ से निकलती है, देखिए जो स्टेम है उसके बेस से निकलती है। तो दो होते हैं स्टेम के, भी दो पार्ट हो गया ना, एक ऊपरी अपर साइड और एक बेस साइड, तो ये वाले बेस साइड से निकलते हैं, ये अपर साइड से। तो तीन तरह के प्लांट हमने पढ़ लिए बेटा, जिनका ग्रीन स्टेम है, ग्रीन ग्रीन होती है सब कुछ ब्रांचेस, सब वो हर्ब कहलाते हैं। श्रब ज्यादा मोटे नहीं, ज्यादा मोटे नहीं होते, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, छोटे टाइप के होते हैं, झाड़ीदार। एंड ट्रीज ऑब्वियस आप लोग पढ़ते हैं या देखते भी हैं, इनकी स्टेम मोटी होती है, हार्ड होती हैं। मैंगोज, नीम, या कोई सा भी ट्री का नाम आप ले सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट मतलब कि अलग अलग करना है प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्रीज के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने अभी अभी तो पढ़ा हर्ब कौन से होते हैं, जिनकी स्टेम को कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, यही था ना। तो ये हमने हर्ब्स पढ़ा था, तो कौन कौन से हर्ब्स होंगे ये बताइए।
आप लोग खुद देख सकते हैं कि टैमरिंड तो नहीं होता, इमली बड़ा होता है, जैस्मिन, कैरेट, स्पिनैक, वेरी गुड। तो स्पिनैक किस में आएगा? हर्ब में आएगा। तो हर्ब के में आगे हमारा स्पिनैक, आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा स्पिनैक। और क्या रोज होता है? नो, कैरेट, कैरेट, रोज, मिंट, मिंट पुदीना को बोलते हैं, तो मिंट होता है। तो गाजर देखे तो वो तो नीचे होता है, हाँ, तो उसकी हाँ स्टेम्स तो उसकी ग्रीन ग्रीन टाइप की ही होती है, तो हम उसको इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे, तीन हो गए, नारियल, कोकोनट, हिबिकस, ये हिबिकस एक फ्लावर होता है, गुड़हल बोलते हैं इसे, जामुन, तो ये सब नहीं, ये सब हम हर्ब्स में आ चुके हैं तीनों। ठीक है, तो हर्ब्स में कौन कौन से हैं? ये तीन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का नेक्स्ट है श्रब। श्रब्स में कौन कौन से आते हैं? जिसको मैंने बताया था कि स्टेम तो होती है हार्ड, लेकिन बहुत मोटी नहीं होती है। तो अगर आप ये देखें टैमरिंड है क्या, टैमरिंड के हाँ जो स्टेम होती हैं बहुत मोटी नहीं होती हैं। अगर आप देखेंगे तो इमली का जो पेड़ है उसकी स्टेम इतनी मोटी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम टैमरिंड लिखेंगे, ये वाला है पहला, ये सर्कल आ चुका है हर्ब्स के लिए। अब हम टैमरिंड की बात करते हैं, टिक लगा रहे हैं टैमरिंड। इसके अलावा कोकोनट का भी यही हाल है, कोकोनट भी इसी में आ जाएगा, एंड जामुन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब बचे ट्रीज। ट्रीज जो बड़े बड़े होते हैं जिनकी स्टेम मोटी मोटी होती है, देखें कौन कौन से होते हैं, सॉरी ये ट्रीज थे सारे, ये ट्रीज में आएंगे, ये किस में आएंगे? ट्रीज में आएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना। और बच गया हमारा श्रब, बच गया श्रब में सारे आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? जो झाड़ीदार होते हैं, जैसे जैस्मिन है, रोज है। ठीक है, ये तो हमारा तीन हो चुका है, बचा क्या? जैस्मिन, रोज, हिबिकस, ये हमारा श्रब में आ जाएगा। जैस्मिन, रोज, हिबिकस। अच्छा, मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ, हर्ब्स वो प्लांट है जिनके ग्रीन स्टेम होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, कैरेट, स्पिनेक, मिंट, ये सारे इसमें आ सकते हैं। श्रब वो प्लांट है जिनमें स्टेम तो होता है, हार्ड भी होता है, लेकिन थिक नहीं होता, थिक नहीं होता। जैस्मिन, रोज, झाड़ी, गुलाब का आपने घर में पौधे देखे होंगे तो पतली पतली स्टेम तो होती हैं, हार्ड होंगे लेकिन थिक नहीं होंगे। हिबिकस भी गुड़हल टाइप के भी होते हैं, फ्लावर होते हैं। अब ट्रीज बड़े बड़े होते हैं जिनकी मतलब जो स्टेम्स हैं वो हार्ड के साथ थिक भी होती है, टैमरिंड की होती हैं मोटी होती हैं। ठीक है बेटा, कोकोनट की भी मोटी होती है, नारियल का देखिए लंबा से पेड़ होता है, मोटी होती है स्टेम, है ना, और जामुन का भी मोटा स्टेम होता है, तना। तो ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान गई चला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर वन हो गया, स्टेम ऑफ एन हर्ब। एक हर्ब का स्टेम कैसा होता है हमने बताया, अभी बताया आपको कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है ना, और सॉफ्ट होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री स्प्रेड फ्रॉम, ब्रांचेस ऑफ ट्री स्प्रेड फ्रॉम डैश साइड ऑफ स्टेम। स्टेम के जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ध्यान दीजिए, ट्री है यहाँ पे, क्या है? ट्री है। ठीक है, तो ट्री में आप ये देखेंगे कि ब्रांचेज अपर साइड से निकलती हैं, तो यहां क्या आएगा? अपर साइड। तो इस तरह से छोटी सी वर्कशीट क्लियर होती है, बताइएगा तीन कैटेगरी कौन कौन सी है प्लांट्स की। ठीक है, कमेंट का वेट होगा, और साथ में चैनल में वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोज को। टेक केयर, बाय बाय।